अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी हम लोग जब रात को आए हैं, ये वो वाला क्लिप था, मैंने पिछली वीडियो में अटैच नहीं किया, मुझे पता ही नहीं चला कि एक और आगे क्लिप भी है। तो खैर जी वहीं से वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। रात को आए हम लोगों ने चेंज वगैरह किया और बिल्कुल सो गए थे, इतने थके हुए थे। और उसके बाद जी ये मैं सुबह उठी हूँ, तो अब जी हम लोग जाएंगे नीचे बुफे ब्रेकफास्ट जो है हमारा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से दिखाऊंगी, क्योंकि उस दिन उमरा किया था तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैंने कोई ख़ास क्लिप नहीं बनाया, बस एक आधा क्लिप बनाया था। बस थोड़ा बहुत ही ब्रेकफास्ट भी नहीं हम लोगों ने ठीक से किया था, बल्कि अरसलान वगैरह ने तो बिल्कुल ही नहीं था किया, वो लोग तो सोए रहे थे। और हम लोग आए थे, मैं और जशान और ऐमान, अयान ने भी कोई ब्रेकफास्ट नहीं था किया, बस थोड़ा बहुत खाया और हम लोग चले गए थे। तो आज जो है ना, जैसे कि मैंने कहा था, तो मैं आपको डिटेल से बनाकर दिखाऊंगी यहाँ पर बुफे कैसा है। तो यहाँ पर जो हनी थे, दो तीन किस्म के, और जैम था, और ये दो तरह के पानी है, और दोनों सेंटेड वाटर थे, लाइक नॉर्मल वाटर तो थे बट सेंट था उनके अंदर। और मैंने उनसे कहा कि किसी अरोमे के बगैर भी पानी है इधर, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास नहीं, यही पानी है। खैर जो पिछले वाला हमारा होटल था ना, जो मदीना में था, उधर आपको अलग सेपरेट बॉटल्स मिलती थी, आप वो वाला पानी भी ले सकते थे। खैर जो यहाँ पर कॉफ़ी मिल्क, यहाँ पर कॉफ़ी मशीन है, वहाँ पर कॉफ़ी मशीन नहीं थी। तो यहाँ का जो अभी मैं आपको दिखाऊँगी तो आप लोग ख़ुद पता चल जाएगा, यहाँ का जो ब्रेकफास्ट है ना वो ज़्यादा थोड़ा सा लग्जूरी था, वो भी अच्छा था, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें ज़्यादा वैरायटी थी, हर तरह की ऑलमोस्ट वैरायटी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग लेट आए थे, इतना लेट नहीं था बट नस्बतन लेट था, तो काफ़ी सारी चीज़ें कम हुई हुई थी, वो बार बार रीफिल करते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर नहीं आती है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता, साथ साथ चीज़ों को जो है ना रीफिल करते रहते हैं। तो यहाँ पे पीनट बटर है जी, ये हनी है, और एक पता नहीं कौन सा हनी था, दो तरह के यहाँ पे हनी थे। ये आपने जो भी क्रॉसेंट्स वगैरह जो भी लेते हो उसके ऊपर ड्रिजल करके आप इंजॉय कर सकते हो, या जो भी बंस यहाँ पे उन्होंने बेक करके रखे। ये वाला सेक्शन सॉस का, और जिसमें इन्होंने पिकल्स रखे हुए थे, क्रीम चीज़ वगैरह इस तरह से था, और इसके बैक पर स्मोक चिकन वगैरह था, स्मोक मीट था सारा। तो खैर मैं इस तरफ आ गई थी जहाँ पर जो डिशेज अवेलेबल थी, आज जो था ग्रिल चीज़ वाले टमाटोज़ थे, और ये आज नूडल्स भी थे। इसके अलावा जो यहाँ पर आलू की कोई भुजिया टाइप बनी हुई थी, चिकन लिवर था, इसके अलावा बॉयल एग्स थे, और भी दो तीन चीज़ें थी यहाँ पर। अच्छा ये था जी शक्शुका, जो कि बिल्कुल शक्शुका नहीं था लग रहा, इनका अपना ही कोई वखरा शक्शुका था। और ये जी पोटैटो थे, जो कल वेज फॉर्म में थे, आज उन्होंने क्यूब्स फॉर्म में काटे हुए थे। और इसके अलावा जी ये सॉसेजेस थे यहाँ पर, एंड दैट्स इट, यही चीज़ें थी आज। और एक आज चीज़ और थी, शायद मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की, सूप ज़रूर होता है, सूप था स्टार्टिंग में, वो स्टूप क्योंकि मुझे पसंद नहीं तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा यहाँ पर आपको ग्रैनुला भी मिलता है, पिछले वाले में सिर्फ हम लोगों को उन्होंने जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये चीज़ें थी, पर इधर ग्रैनुला, प्रॉपर ग्रैनुला बना हुआ था, चॉकलेट वाला, बड़ा मज़े का वो भी था। इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स वाला भी टेबल था, जिसके आगे उन्होंने कोकोनट्स वगैरह रखे हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर आपको सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स थे, और फ्रेश यहाँ पर ना अंजीर थी, बहुत मज़े की। आप लोग ने ड्राई फ्रूट पाकिस्तान में हमने खाया, अलोंग विद मशरूम्स। Two eggs, separate. You are asking separate or mix? I'm asking. You can make a mix or a separate. That's up to you. Onion, capsicum, tomatoes, and what's that? Huh? No, leave that. And coriander, fresh coriander. Yeah, yeah. Thank you. Fresh banake mere saath waffles. Ye dekhi, ye waffles banake mere saath isko dekhi se. और यहाँ पर जी जी भल्ले टाइप है जी, ये देखें, और साथ में ये बैंगन भी है, ये मैंने कल खाए थे। सो इसके अलावा ये फ्रूट कॉर्नर है जहाँ पर ये चीज़ें हैं, मैं पीछे की साइड पे तो आगे जाके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर जी हम लोग टेबल पे इकट्ठे बैठे हुए थे, और यहाँ पर बच्चे कुछ भी खाने से इनकार, आयान सो गया था, उसको जो भी डाल के दिया था वो सारा टेबल पे वैसे का वैसा पड़ा था। और ये मैंने अपनी प्लेट बना ली थी, और मैं अपनी प्लेट बैठ के अब खाऊंगी। मैं ना हमेशा बिल्कुल थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक प्लेट में डाल लेती हूँ, फिर मैं वो खा के, अगर मुझे फिर कोई चीज़ लेनी हो ना तो फिर मैं चले जाती हूँ। बच्चों ने इतनी सारी चीज़ें मंगाई आयान ने, बट खाया कुछ भी नहीं और वो सो गया था। खैर पहले मैंने सोचा फ्रूट्स थोड़े से खा लेती हूँ, ये मैं प्लेट बना ली थी, कल भी मैंने इसी तरीके से फ्रूट्स खाए तो यही खा के चली गई थी, और सिर्फ शायद मैंने कॉफ़ी ली थी,
मैं सो गई थी, बिल्कुल कुछ खाया नहीं था ज़्यादा कल तो। खैर जी, ये बाहर का व्यू है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। बाहर बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है, नज़र आ रहा था। और ये मेरे बच्चे दोनों सो गए हुए थे, जिशान ऊपर जा चुके हुए थे, बाकी लोग भी चले गए, तो बस अब मैंने ऊपर जाना था वापस। तो अब मैं इनको बारी बारी उठाऊँगी और लेकर जाऊँगी। और ये देखिए मैंने प्लेट कितनी अच्छे से फिनिश कर रही हूँ, बिल्कुल। ये थोड़ी सी रह गई, ये भी मैं बिल्कुल साफ़ करके अपनी प्लेट फिर जाऊँगी। यहाँ पर जी कपड़े मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि अब हम लोग निकल रहे हैं, बच्चों को मैं तैयार कर रही हूँ। अभी रूम क्लीनिंग वाले आए थे, वो करके गए हैं। और भैया भी उठ के, भैया बाहर से दूर रहो, दूर रहो बाहर से। हाँ जी, और ये मैंने जुगाड़ लगाया कपड़े सूखने, यहाँ डाले क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है लॉन्ड्री। अभी हम देख रहे हैं अहराम, क्योंकि हम लोगों ने ना एक मिनट हम लोग ना कपड़े देख कर आए हैं यहाँ पर। जो तो यहाँ पर जो लॉन्ड्री है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक एक रियाल के, एक सॉरी अहराम के वो ले रहे हैं जी 25 रियाल। सो काफ़ी महंगे हैं वो, तो अभी हम लोग देने जा रहे हैं, दे आए हैं लॉन्ड्री पर। ये पास में ही है, वो ले रहे हैं जी 5 रियाल। ठीक है, तो वहाँ देख रहे हैं क्योंकि कल इंशाल्लाह हम लोगों ने फिर से जो है वो है उमरा परफॉर्म करना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अब हम नियरेस्ट में कार पे जाएंगे। मस्जिद आयशा से उमरा नहीं होता है, आपको एक स्पेसिफिक किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ता है, देन आपका उमरा होगा। एक सफ़र में एक ही उमरा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग फिर से सफ़र करेंगे और मेकात से अहराम पहनेंगे इंशाल्लाह, और अगेन सेकेंड उमरा करेंगे। अल्लाह हमारी उम्रा कबूल करे, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ी सी ना हो जाती है प्रॉब्लम। खैर अब मैं तैयार करने लगी सबको और फिर हम लोग जी निकल रहे हैं बाहर। तो यहाँ पर जी हम लोग तैयार शहर हो गए थे और आज हम लोग जाएंगे, पहले हमें अरसलान ड्रॉप करते हैं गाड़ी में। हम लोग शटल से नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे, क्योंकि ना जो मेरा देवर है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दिन पहले हमसे उमरा कर लेंगे और फिर हम लोग जो है ना कल जाएंगे। सो वो आज हमें ड्रॉप करके तो अभी निकल जाएंगे। अभी उन्होंने इमरजेंसी में दिए हैं, अपनी लॉन्ड्री में दिए हैं अहराम दिए कि जल्दी से वॉश होकर ड्राई होकर एक घंटे में उनके आ जाएंगे। तो जैसे ही आएँगे तो वो लोग निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ से मैं एकदम से दौड़ी, मैंने देखा ईमान मेरे पीछे नहीं थी, वो स्ट्रेट सीधी चलती जा रही थी। तो मैंने उसका आवाज़ लगाई तो अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। मैंने बताया ना मदीना में तो बहुत अच्छा इख्लाक था, मुझे मक्का में भी बहुत अच्छे सिक्योरिटी गार्ड्स टक रहे हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा ये लोगों की हेल्प करते हैं। हम लोग ना बेसिकली करते क्या है, हम लोग इनकी बात नहीं प्रॉपर तरीके से सुनते हैं। अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से इनकी बात सुने तो ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं। और यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि सफ़ा मरवा के जहाँ सही करते हैं ना, वहाँ पर भी एक गेट है, वहाँ से एंटर होने देते हैं। ये है जी फ्लोर नंबर 2 एंट्रेंस से, ये देखिए मरवा सामने नज़र आ रहा था, उधर से ये, इधर से हम लोग नीचे जाएंगे बाबुलसलाम, वरना बाहर से मैं गई हूँ कल। अब जी हम लोग इधर से वापस नीचे जा रहे हैं, ठीक है जी। आ जाइए, मैं ग्राउंड फ्लोर पर जाएंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ मैं एलिवेटर से उतरी हूँ और अब हम आगे जाएंगे, वापस जाना है नीचे जाने के लिए, और कोई बात नहीं है। कह रहे हैं आगे है, एक जा सकते हैं, कोई कह रहा बंद है, तो रिस्क नहीं ले रही, इसलिए मैं यहीं से जा रही। कल भी मैं यहीं से गई थी, परसों भी मैं यहीं से गई थी, तो अब हम लोग यहीं से जा रहे हैं। इस रास्ते से ना गुजरते हुए आपको सफ़ा मरवा की वो पहाड़ी भी नज़र आएगी, ठीक है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ, जा रही हूँ, तो गलत रास्ते पर नहीं है हम लोग। क्योंकि होता यूँ है कि जिस रास्ते से आप लेट्स सपोज आए हो, आपको हम वापसी पे वो रास्ता बंद मिलेगा या कल बंद मिलेगा, तो कोई भी रास्ता हर वक्त खुला नहीं होता, वो बंद करते रहते हैं, खोलते रहते हैं। तो हल्ली भी मैं ले आई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बट वहाँ उस एरिया में तो नहीं लेके जाऊँगी, यहीं पर रखूँगी। और जब उधर जाओगे ना तो इसको फोल्ड करके रख दूँगी। तो यहाँ मैं जोर पड़ने लगी, आज हम लोग लेट पहुँचे हैं।
उस टाइम जब बात हो चुकी भी थी। रमजान भी होंगे फिर पढ़ने लगी नमाज। ठीक है जी, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत मज़ा आता है यहाँ से देखने का, नज़ारा करने का। थोड़ी देर बाद में आगे चले जाएंगे, भी इन्होंने ये एरिया बंद किया हुआ है, फिर आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैंने इतनी मुश्किल से अभिया को सुलाया था, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, अभिया बहुत ज़्यादा तंग करती थी। एक्चुअली बच्चों का ना नींद पैटर्न ख़राब हो गया था, हम कभी जाग रहे हैं कभी सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे अफेक्ट हो रहे थे। पर अभिया इतना रोना शुरू हो गई थी कि मेरे से जोहर नहीं थी पढ़ी जा रही, वो सोई है तो फिर मैंने नमाज़ अदा की है और फिर मैंने कुछ भी जो भी मैंने यहाँ पढ़ना पढ़ाना था, वरना जब तक अभिया जाग रही थी ना मैं कुछ नहीं थी कर पा रही। और यह ईमान देखिए, ईमान वैसे आज इसने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया, पूरा दिन ये बड़ी आराम से मेरे साथ ऑपरेट करती रही। बाकी थोड़ा बहुत तो आपको पता है बच्चे जो करते हैं। इसके अलावा हमें इन्होंने इस जगह से उठा दिया था क्योंकि सफाई करने लगे थे यहाँ पर, और आप चेक करें कितने मज़े से ये लोग सफाई करते, विद इन सेकेंड्स, लाइक हार्डली एक मिनट लगता है इनको, और एक जगह ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन करके ड्राई करके तो आगे मूव करते जाते हैं। और इवन अगर आपको कोई जगह लगे ना कि नहीं साफ हुई प्रॉपर, अगर आप इनमें से किसी को कहते हैं तो ये इतने हम्बल होते हैं, वापस आते हैं वो जगह प्रॉपर से साफ करते थे, इतने ही हम्बल हैं। अल्लाह ताला इन सबको इतनी जजा देना, ये इनका इखलाक जो है ना वो सब कुछ है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इतने अच्छे इखलाक वाले लोग अपनी लाइफ में नहीं देखे जितने ये स्टाफ यहाँ पर अच्छे इखलाक का होता है। वो लपेटी जा रहे बेल्ट और ये देखा था लास्ट फिनिश। ईमान उठ जाओ, ये देखिए जी टू माई पोजिशन अगेन, और ये जी मैं आगे अपनी जगह पे वापस, अब वो आगे जाएंगे। और ये देखिए ये काले वाला कीड़ा है जो ग्रास ओपर के साथ यहाँ पर पाया जाता है, बट ये देखिए सजदा कर रहा है। और ये इतना प्यारा क्लिप था ना, और ये यहाँ पे सफाई करते हुए इसको साथ ले जाएंगे और खलास खत्म। ये असर का टाइम हो रहा था यहाँ पर, तो उन्होंने हमें उस जगह से उठा दिया था। वो हर नमाज पे आपको एक डेजिग्नेटेड पोजीशन बताएंगे कि आपने यहाँ स्पेसिफिकली बैठ के नमाज़ पढ़नी। अब जोहर के लिए हमें इन्होंने काफ़ी देर पहले वहाँ से उठा दिया था, और एक बिल्कुल साथ ही जगह बनी हुई है वहाँ पर उन्होंने ग्रिल लगा कर तो हमें बिठा दिया था कि आप लोगों ने यहाँ पर नमाज़ पढ़नी है। और ईमान बिल्कुल ऐसे लग रही है माशाल्लाह जैसे कोई उलमा बैठी हुई है, कोई हाफिज़ा बैठी हुई है, जैसे कुरान की बहुत नॉलेज है, कॉन्फिडेंस इसका माशाल्लाह आप चेक करें। और यहाँ पर जी अभिया अपनी कंपनी अलग से इंजॉय करते हुए, जितनी देर में काबा में रही हूँ ना माशाल्लाह अभिया किसी ना किसी की गोद में थी। ये आगे कोई इंडोनेशिया के लोग थे, उन्हें अभिया इतनी क्यूट लग रही थी, उन्होंने अपनी गोद में अभिया को बिठा लिया था। और ये ईमान पांचवी दफ़ा सैनिटाइज़र यूज़ करते हुए, ईमान कितनी दफ़ा ये, कितनी दफ़ा, वन लाया आ जाओ, नो उधर चलो, चलो बेटा भैया के पास आ जाओ, ईमान नो वापस वापस भैया के पास। और ही क्विन क्लियरली सी कि ईमान को नहीं कोई सुकून है, कभी वो सैनिटाइज़र पे की तरफ दौड़ रही है, कभी ऊपर दौड़ रही है, कभी नीचे बैठ रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। और वहाँ देखिए मेरा बब्बू सो रहा है साथ में, ईमान के साथ ही दफ़ा सैनिटाइज़र लगा के, ईमान हाथ ख़राब हो जाएंगे बेटा आपके। ये माशाल्लाह मेरा बच्चा देखे कितना क्यूट लग रहा है, छो रहा है, सबसे प्यार मोहब्बत समेट के तो सो गया। यहाँ पर जो मैं आई थी जिशान से सामान कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आपके लिए दूध चाहिए था, बिस्किट्स वगैरह चाहिए थे, मुझे भी भूख हल्की हल्की अब लग रही थी क्योंकि असर नमाज़ पढ़ ली थी और अब काफ़ी टाइम हो गया था हमें ब्रेकफास्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जिशान कुछ चीज़ें लाए थे कि आप ले जाओ ताकि हम खा पी लें कुछ। और आप हिसाब लगाएं मैं सिर्फ ग्रिल से थोड़ा सा आगे चल कर आई, और जब मैं वापस जाने लगी उन्होंने रास्ता बंद कर दिया और उन्होंने कहा अब यहाँ से नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मेरी बच्चियाँ अंदर हैं, वो सामने ईमान और अभिया वहीं पर बैठे हुए थे, तो मैंने कहा बस मैं खाना लेकर आई, वही हुआ उन्होंने बंद कर दिया। फिर कोई बंदा मिल गया, उसको अरबिक इंग्लिश आती थी, उसने उनको बताया कि वो उनकी उसके जो बच्चे हैं वो अंदर बैठे हुए हैं तो उसको जाने दें, तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया अंदर। और ये देखिए मंजर, हमें बिल्कुल काबे के आगे उन्होंने बिठा दिया, ये इतना खूबसूरत था, मैं क्लियरली काबा देख सकती थी। और यहाँ बैठ के हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ अदा की।
फिर जी हम लोगों ने उसी जगह पे इशा की नमाज अदा करने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर। मैंने सोचा तवाफ कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं आई तो अभी तवाफ कर ही रही थी तो जिशान का फ़ोन आ गया कि अगर आप फ्री होगी हो तो आ जाओ, कुछ खाना पीना कर लेते हैं। और आयान बहुत ज़िद कर रहा है कि मैंने वॉच लेनी है और अगले दिन हम लोगों ने जाना तो उम्रे पर, इसलिए आज ही जिशान की कोशिश थी कि आयान ने जो लेना है उसको ले देते हैं। बट बिलीव करें यहाँ पर इतनी महंगी वॉच थी जो वहाँ पर हम लोग 1 BD की ले लेते हैं या 3.5 BD की मिल रही थी, लाइक 35 रियाल की। तो हम लोगों को तो पता है कि चीज़ें यहीं से जाती हैं बाहरीन, तो यहाँ सस्ती होनी चाहिए, बट हमें यहाँ चीज़ें महंगी मिल रही थी। खैर ये एक प्रॉपर मार्केट बनी हुई है जहाँ आप ढेर सारी बार्गेनिंग कर सकते हो, खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा जगह हैं, काफ़ी सारी सारी चीज़ें हैं। आई थिंक सेकेंड फ्लोर है जहाँ ये सब चीज़ें खाने पीने की लगी हुई हैं। आपको हर तरह का यहाँ खाना मिल जाएगा, मीट, बीफ, बिरयानी, बर्गर, चिप्स, एवरीथिंग, अरेबिक फूड भी, पाकिस्तानी फूड भी आपको सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। इवन यहाँ पर जूस, मिल्क शेक, सब चीज़ें थी। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी लेना है तो आप यहाँ आ सकते हो। और चीज़ें भी कुछ कहीं पे कुछ रेट्स डिफरेंट है, एक दूसरे रेट्स नहीं ले के देते हैं। और ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे हैरान और परेशान अपने रोते हुए बड़े भाईजान को देख रही है। ये देखिए, यहाँ पर अयान बहुत रो रहा था कि मुझे हर सूरत आज वॉच लेके दे, वॉच के बगैर मैं नहीं जाऊँगा होटल। तो हम कह रहे थे बेटा हमें कोई रीज़नेबल नज़र आती है तो हम आपको ले देते हैं, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। तो यहाँ पर जितने बकवास इसने यहाँ पर मैक्रोनीस लिए थे ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती। मैंने अपनी लाइफ में इतने बकवास मैक्रोनीस नहीं खाए, मतलब बिल्कुल ही टेस्टलेस थे। और यहाँ पर जो अयान को फुल ऑन दलासा देते हुए कि बेटा आपको लाजमी हम लेके देंगे, अभी घर चलते हैं, क्योंकि हम लोगों का प्लान था कि हम लोग रात में ही ना बच्चों को सुला कर चले जाएंगे, क्योंकि मेरे देवर देवरानी आ जाएंगे तो वो लोग बच्चों के पास ठहर लेंगे तो हम लोग चले जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का प्लान चेंज हो गया, बल्कि प्लान ही चेंज हो गया। इतनी थकावट थी, हम लोगों ने खाना खाया तो हम लोग बस बैठे हैं, टेक लगाई है और दोनों की आँख लग रही थी, लग गई थी एक बार, फिर उठे फिर आँख लग गई। तो फिर यही डिसाइड कि अब जो है ना फिर इंशाल्लाह सुबह ही उम्रा करेंगे, फिर मैं आपको इंशाल्लाह कल लेकर चलूँगी जहाँ हम लोग जाएंगे। इससे पहले वीडियो को लाजमी लाइक करते, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, और चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं आपसे कल।